माई चैनल विच इज आरुषिज नोट्स एंड पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्लांट ब्रीडिंग होती क्या है और कौन से स्टेप्स हैं जिनसे आप फॉलो करके आप प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हो। और आज के मतलब कि लेक्चर में हमने पढ़ना है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट एंड फॉर द इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है कि प्लांट ब्रीडिंग करके आप अपने प्लांट को अपने क्रॉप को कैसे डिसीज से बचा सकते हो या कैसे इंसेक्ट से बचा सकते हो। ठीक है तो जो प्लांट ब्रीडिंग है फॉर डिसीज रेजिस्टेंट, ठीक है मैंने अपने पिछले वीडियो में प्लांट ब्रीडिंग होती क्या है उसके स्टेप्स क्या है और वीट राइस और शुगर की हाई यील्डिंग बताई थी कि कौन कौन सी उसकी वैरायटी है। और अब हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट, जिसमें एक तो सबसे पहले मैंने दो टेबल इधर किए हैं क्योंकि इस सबसे ऊपर वाला जो है डिसीज रेजिस्टेंट का टेबल है और नीचे वाला इंसेक्ट पेस्ट का टेबल मैंने बनाया जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है एंड इसमें एनसीईआरटी में क्या है ये टेबल पूरा एक गिवन है एंड ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बोर्ड के पेपर में इसमें से क्वेश्चन आते हैं ये क्या दो नंबर के। और हम स्टेप्स पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग के कि कौन से स्टेप्स आप फॉलो करके आप प्लांट ब्रीडिंग करके अपने प्लांट को डिसीज रेजिस्टेंट करवा सकते हो। ठीक है ये था प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट का एक ओवरव्यू। तो जो एनसीईआरटी में है सबसे पहले मैं वो रीड करवा देती हूँ फिर उसके बाद हम उसके स्टेप्स पढ़ेंगे। ठीक है फिर मैं ये टेबल भी एक बारी बता दूंगी कि क्या क्या टेबल में है। ठीक है तो सबसे पहले कि जैसे पता ही है कि जब आप कोई फसल लगाते हो आप कोई क्रॉप लगाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको डिसीज हो जाए। कई बार बैक्टीरियल डिसीज होती है या फंगल डिसीज हो जाती है तो इससे क्या होता है कि आपकी जो क्रॉप होती है बहुत ज़्यादा मतलब कि ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, रिजल्ट नहीं अच्छा आता, उसकी यील्ड नहीं अच्छी आती है ना। तो उसको ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि प्लांट ब्रीडिंग की एंड ऐसे प्लांट्स लेके आए जो डिसीज रेजिस्टेंट हैं या उनके अंदर ऐसे करेक्टर्स लेके आए जिनसे मतलब कि कोई भी उनको डिसीज नहीं होती। ठीक है सो ये है एनसीईआरटी में भी यही लिखा है एंड बहुत ज़्यादा क्रॉप लॉसेस हो गया तो जिसके कारण क्या हुआ था कि साइंटिस्ट को लगा कि हमें एक नेसेसिटी लगी कि हम एक ऐसे लेके आए प्लांट ब्रीडिंग लेके आए या ऐसे एक मैटर लेके आए जिससे हम अपने प्लांट को सिक्योर कर सकें कोई कि उससे भी कोई डिसीजेज ना हो। अगर हमारा प्लांट के पास पहले ऐसे करेक्टर हो जाएंगे कि जिससे उसको कोई भी डिसीज नहीं होगी, कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा, तो इससे क्या होगा एक पॉइंट क्या होगा कि हमारा जो डिपेंडेंस है फंगिसाइड्स पे या फर्टिलाइजर पे या पेस्ट पे वो कम हो जाएगा क्योंकि हम फर्टिलाइजर या वेस्टिसाइड्स या फंगिसाइड्स के लिए क्रॉप में डालते हैं कि ताकि जो आपकी फसल है या जो आपकी क्रॉप है उसको कोई भी इंसेक्ट ना लगे, है ना, इसके लिए डाला जाता है या उसको सारी प्रॉपरली सारी चीज़ें मिलें जो कि एक क्रॉप को ग्रो होने के लिए चाहिए। ठीक है बट अगर आपके प्लांट के पास पहले ही सारे करेक्टर्स होंगे कि जिससे उसको कोई डिसीज नहीं होगी, डिसीज रेजिस्टेंट होगा, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होगा, इंसेक्ट पेस्ट होगा, ठीक है इंसेक्ट पेस्ट होगा, तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फंगिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स की। तो जिससे क्या होगा एक तो केमिकल नहीं क्योंकि फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स टोटली केमिकल्स होते हैं, है ना, जिससे आपका डिपेंडेंस कम हो जाएगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आपकी आउटपुट अच्छी आएगी और आपकी यील्ड काफ़ी क्या आएगी अच्छी आएगी। ठीक है तो ये मतलब कि एक फ़ायदा होगा कि अगर आप प्लांट ब्रीडिंग करते हो अपने प्लांट में फॉर द डिसीज रेजिस्टेंट कि आपका जो डिपेंडेंस है फंगिसाइड्स पे वो टोटली रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है ये है मतलब कि एक टॉपिक। ठीक है और दूसरा एक पॉइंट क्या है कि अगर आपको प्लांट ब्रीडिंग करनी है ना, है ना, अगर मेन पॉइंट है कि अगर आपको अपनी प्लांट ब्रीडिंग करनी है डिसीज रेजिस्टेंट के लिए तो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जौन सा आप अपने प्लांट ब्रीडिंग में जौन सा चेंजेस लेके आ रहे हो, कौन सी आपने डिसीज के लिए लेके आ रहे हो और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जैसे ये वीट की वैरायटी है, ठीक है ये जस्ट एक एग्जांपल है, ये ऐसा रियलिटी में मतलब कि ऐसा तो नहीं है बट या ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ठीक है जैसे ये वीट है उसकी वैरायटी है हिमगिरी। अब सपोज ठीक है मैं यहाँ पे मतलब कि लिखती हूँ कि सपोज आपने क्या करना है, आपने अपनी जो वीट है उसकी जो वैरायटी है हिमगिरी उसको आपने प्रोटेक्ट करना है इस डिसीज से, लीफ और स्ट्राइप
और रस से आपने अपनी जो वीट है या जो हिमगिरी है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट। तो उसको करने के लिए आप क्या करोगे, आप प्लांट ब्रीडिंग करोगे, उसके अंदर चेंजेस लेके आओगे कि ताकि आपका जो फसल है वो खराब ना हो। तो आपको पता कैसे लगा कि आपने कौन से करेक्टर डालने हैं कि जिससे आपकी जो प्लांट है उसको, मतलब कि उसको ये लिया, उसको ये डिसीज ना हो। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप उसका ऑर्गेनिज्म पता करोगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ये डिसीज करता है ना, कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये जो डिसीज करता है, सबसे पहले वो देखोगे, उसके करेक्टर्स पढ़ोगे और उसके उसके अगेंस्ट वो करेक्टर अपने प्लांट में डालोगे कि ताकि ये ऑर्गेनिज्म आपके प्लांट को डिसीज ना कर सके। और दूसरा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है किस मोड से आपके प्लांट को खराब करता है, आपको ये दोनों चीज़ें देखनी है। और ये फिर जो चीज़ें दोनों देख के आप देखोगे कि हाँ इन दोनों चीज़ों से एक मतलब कि ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है प्लांट को, तो फिर आप वही करेक्टर डालोगे जिससे आपके प्लांट को ये लीफ और स्ट्राइप रस्ट वाली डिसीज नहीं होगी। सो बेसिकली प्लांट ब्रीडिंग है मेन मोटिव। अगर आप कोई भी प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हो किसी भी डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट के लिए कि उसको आपको अपने प्लांट को डिसीज रेजिस्टेंट करना है, तो आपको दो चीज़ें हमेशा अपने ध्यान में रखनी है कि आपको ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए कि कौन से डिसीज से आप अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करो, और उस डिसीज वो वाला जो डिसीज है कौन सा ऑर्गेनिज्म कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए, और उसका कैसा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि किस मोड से वो आपके प्लांट को खराब करेगा वो आपको पता होना चाहिए। तो ही आप उसका अगेंस्ट करेक्टर्स अपने प्लांट में डालोगे और आपका जो प्लांट है वो डिसीज रेजिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, द एनसीईआरटी में भी यही लिखा है। ठीक है, एंड रेजिस्टेंट ऑफ द होस्ट प्लांट इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट द पैथोजन कि उसको डिसीज नहीं होगी। और ये कैसे आप डिटरमाइन करते हो, या तो तुम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जेनेटिकली चेंज कर लो, या और जब आप ब्रीडिंग कर रहे हो आपके दिमाग में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि आपको ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने पहले बताया कि ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है ये पता होना चाहिए, तो ही आप कर सकते हो। उसके बाद और इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे फंजाया रस्ट, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, और ब्लाइट ऑफ द पोटैटो, बैक्टीरिया ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर, और वायरस टोबैको मजाक टर्ने वायरस। उसके बाद है मेथड फॉर ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट। तो एक इंपॉर्टेंट बात, जो हमने प्लांट ब्रीडिंग में पांच चीज़ें पढ़े थे, पांच स्टेप्स पढ़े थे, वही सेम जो स्टेप्स होंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट में होंगे। ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा वो मैं बता देती हूँ। तो सारी चीज़ें सेम है, प्लांट ब्रीडिंग में जो हमने स्टेप्स पढ़े वो सेम प्लांट डिसीज रेजिस्टेंट में चलेंगे, वही सेम स्टेप्स जो हैं वो इंसेक्ट पेस्ट में चलेंगे, को कुछ खास फर्क नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं इसके बता देती हूँ डिसीज रेजिस्टेंट के। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपना स्क्रीन करना है जर्म प्लाज्म। ठीक है, उसके बाद उसके जो हमने सिलेक्टेड पेरेंट्स हैं उनको हमने क्रॉस हाइब्रिडाइज कराना है। फिर उसके बाद उसके जो हाइब्रिड्स निकलेंगे, मतलब कि क्रॉस करा के जो हमने सिलेक्टेड पेरेंट्स हैं जिनका हमने क्रॉस कराया, उसके बाद जो उनकी जो प्रोजेनी आएगी, जो जनरेशन आएगी, उसको हमने इवेलुएट करना है, टेस्ट करना है, और उसके बाद रिलीज कर देना है न्यू कल्टिवेटर्स के लिए। और अगर मैं प्लांट ब्रीडिंग की बात करूं जो उसके स्टेप्स से, उसमें भी सबसे पहले क्या था हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने वेरिएबिलिटी कलेक्ट करनी है, डिफरेंट स्पीशीज कलेक्ट करनी है कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉस बना सके। उसके बाद आपने क्या करना है, इवेलुएट करना, अपने पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है कि एक अच्छा मेल पेरेंट और अच्छा फीमेल पेरेंट। फिर उसके बाद आपने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करनी है, फिर उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है, टेस्ट करना है रिकॉम्बिनेंट, उसके बाद उसको रिलीज कर देना और कमर्शियलाइजेशन ऑफ द न्यू कल्टिवेटर्स। और इसमें भी सारी चीजें सेम है। उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट में एनसीईआरटी में ये पूरा एक टेबल गिवन है, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और वैसे एनसीईआरटी में भी गिवन है सेम टू सेम। और ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का बोर्ड में एक या दो नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जैसे वीट है हिमगिरी रेजिस्टेंट टू डिसीजेस, लीफ एंड स्ट्राइपरस चिल्ड्रन मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, ब्रेसिका का वरायटी है पूसा स्वर्णी करण राय और ये रेजिस्टेंट टू डिसीज है वाइट रस्ट, कॉलीफ्लावर है पूसा सुब्रा पूसा पी मीन्स पूसा राइट, स्नोबॉल और ये रेजिस्टेंट टू डिसीज है ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट एंड देन कॉलीफ्लावर देन है कॉपी तो पूसा कॉमल, देन उसका रेजिस्टेंट टू डिसीज है बैक्टीरियल ब्लाइट, देन चिली पूसा सदाबहार, चिली मजाक वारिश एंड टी एम वी मीन्स टबैको मजाक वायरस, TMV means tobacco mosaic virus और leaf curl। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है plant breeding for disease resistant, insect pest।
ठीक है ये था, नहीं सॉरी है इसके आगे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप प्लांट ब्रीडिंग करते हो फॉर डिसीज रेजिस्टेंट के लिए ना, तो आपको दो चीज़ें, दो स्टेप से आप कर सकते हो। एक तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग हो गया, दूसरा म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन का मतलब होता है कि आप जेनेटिकली उस प्लांट में चेंजेस लेकर आ रहे हो और अपने पसंदीदा डिजायरेबल करेक्टर उस प्लांट में डाल रहे हो, ठीक है, तो वो म्यूटेशन हो जाता है। और कन्वेंशनल ब्रीडिंग के फर्दर दो स्टेप्स उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, ठीक है। सो तो कन्वेंशनल मैथड जो है ब्रीडिंग का, उसके अंदर दो आपके पास मैथड्स आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, और या फिर आप म्यूटेशन से कर सकते हो। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मतलब कि इज ऑफन कंस्ट्रेंड कि आपके पास लिमिटेड नंबर है जो डिसीज रेजिस्टेंट जीन्स है कि जिससे आपके प्लांट को डिसीज नहीं होगी, वो वाले जो जीन्स है वो है कम, ठीक है, एंड उसको आप वो कम है, ठीक है, बहुत कम प्रेजेंट है, और उसको फिर आप आइडेंटिफाई करते हो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स में, और फिर आप उसको इंट्रोड्यूस कराते हो या म्यूटेशन लेके हाई यील्डिंग प्लांट में चेंजेस मतलब कि डाल देते हो, या म्यूटेशन से चेंजेस लेके आते हो। और म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैंने पहले भी बताया कि आप उसके अंदर जेनेटिकली चेंजेस करो और अपने पसंदीदा करेक्टर, अपने डिजायरेबल करेक्टर उस प्लांट के अंदर डालो जो उसके पेरेंट में नहीं है, ये होता है म्यूटेशन, ठीक है। एंड जो इसमें डेफिनेशन है कि म्यूटेशन इज द प्रोसेस विद जीन्स वेरिएशंस आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द सीक्वेंस विद इन द जीन्स, और आप अपने न्यू करेक्टर डाल रहे हो जो पेरेंट्स में फाउंड नहीं है, एंड ये सिर्फ और वैसे तो ये रिसर्च लैब में ही होता है काम, बट कई बार क्या होता है आप केमिकल्स के थ्रू या आर्टिफिशियली म्यूटेशन भी करवाते हो, तो उस प्रोसेस को कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज डिफरेंट कल्टिवेटेड स्पीशीज के मतलब कि जो डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज होती हैं डिफरेंट वाली, ठीक है, उसके डिफरेंट स्पीशीज हैं, ठीक है, उसके पास कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं। कई प्लांट्स होते हैं जिनके पास बाय डिफॉल्ट ही बाय नेचर ही ऐसे चीज़ें होते हैं, ऐसे करेक्टर्स होते हैं जिनको जो डिसीज रेजिस्टेंट होते हैं उनको आसानी से डिसीज नहीं लगती, ठीक है। तो वही वो कह रहे हैं कि डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज ऑफ डिफरेंट कल्टिवेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स उसके कुछ सर्टन रेजिस्टेंट करेक्टर्स होते हैं बट उसकी यील्ड क्या होती है बहुत लो होती है, इसके लिए हमारे को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है रेजिस्टेंट जीन्स हाई यील्डिंग कल्टिवेटेड वेराइटीज में, जिसमें एक एग्जाम्पल है येलो मजाक वायरस जो जिसमें है भिंडी का, और इसमें को कहते हैं प्रबन क्रांति, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। सो दूसरा जो मेजर कॉज मैंने पहले बताया कि जैसे अगर आप कोई क्रॉप लगाते हो तो उसको बैक्टीरियल डिसीज हो जाती है, फंगल डिसीज हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बैक्टीरियल डिसीज हो रही है, फंगल डिसीज हो रही है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि उसके साथ उसको ना कीड़े भी लग जाते हैं, है ना, तो कीड़े भी लग जाते हैं, इंसेक्ट पेस्ट है। तो आप कैसे कौन कौन से करेक्टर से या कौन कौन सी चीज़ों से आप अपने क्रॉप को बचा सकते हो कि उसको कीड़े ना लगे, कई बार कुछ प्लांट्स में बाय नेचुरली या बाय नेचर या बाय डिफॉल्ट ऐसे करेक्टर होते हैं कि उनको कीड़े नहीं लगते, तो पहले वो उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो जैसे इंसेक्ट रेजिस्टेंट इन होस्ट क्रॉप प्लांट्स, क्योंकि कई बार कुछ प्लांट्स में बाय नेचर ही मॉर्फोलॉजिकली चाहिए करेक्टर्स होते हैं या फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिससे उनको इंसेक्ट नहीं लगते, या कई बार क्या होता है कि कुछ प्लांट होते हैं उनके ना हेरी लीव्स होते हैं, तो हेरी लीव्स के कारण जो इंसेक्ट होता है वो उनके हेरी लीव्स में फंस जाता है, तो वो नहीं उनको इफेक्ट करेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि उनका जो स्टेम होता है कई प्लांट्स में उनकी जो स्टेम होती है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्ड होती है, सॉलिड होती है, जिसके कारण जो इंसेक्ट होता है वो उसको परफोरेट नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल है दूसरा कॉटन की, कई बार क्या है कि कॉटन एक एग्जांपल है कि उनका जो लीव्स है ना उनके जो लीव्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं और उनमें कोई नेक्टर नहीं होता, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट भी नहीं करते बॉलवॉर्म्स को। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें एसिड बहुत ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन कंटेंट एंड शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है, तो जिसके कारण उसको भी नहीं कीड़े लगते, ये मेज का एग्जाम्पल है, ठीक है। देन ब्रीडिंग जो उसमें हमने पढ़े, जो हमने प्लांट ब्रीडिंग ऑफ डिसीज रेजिस्टेंट में स्टेप्स पढ़े कि कौन से स्टेप्स आप फॉलो करके आप अपने प्लांट को डिसीज रेजिस्टेंट बना सकते हो, वही स्टेप सेम आपके इसमें है प्लांट ब्रीडिंग के, कौन से स्टेप फॉलो करके आप अपने प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना सकते हो, चीज़ें सेम रहेंगी। उसके बाद ये एक टेबल है इंसेक्ट पेस्ट का, ये सेम एनसीईआरटी में भी और इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें भी सेम जैसे ब्रासिका हो गया, इसको रेपसीड मस्टर्ड बोलते हैं, वेराइटी है पूसा गौरव, और इंसेक्ट पेस्ट इससे बच सकता है मतलब कि चेंजेस करके आप किससे बचा सकते हो अपने क्रॉप को एफिड से, ठीक है। देन आता है फ्लैट बीन और उसमें है वेराइटी में पूसा सेम टू पूसा सेम थ्री, और इंसेक्ट पेस्ट में
आता जैसे एफ एच एन फ्रूट बोरर, रन आता ओकरा भिंडी पूसा स्वर्णी ए पूसा स्वर्णी पूसा स्वानी एंड पूसा ए फोर एंड इट इज शूट बोर एंड शूट एंड फ्रेंड फ्रूट बोरर ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारे हो गए कि प्लांट ब्रीडिंग इन फॉर द डिसीज रेजिस्टेंट या प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, ये पूरे टेबल हैं, अगर किसी ने स्क्रीन शॉट लेना तो ले लो, मैं ना ये रब कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना जो है प्लांट ब्रीडिंग फॉर द इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे आप प्लांट ब्रीडिंग से आप अपने फूड की क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो। तो अब हमने वो पढ़ना, अब तक हमने पढ़ा कि प्लांट ब्रीडिंग कैसे आप प्लांट ब्रीडिंग करके आप अपने प्लांट को डिसीज रेजिस्टेंट बना सकते हो, कैसे आप प्लांट ब्रीडिंग करके आप अपने प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना सकते हो कि इंसेक्ट से बचा सकते हो। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे आप प्लांट ब्रीडिंग करके अपने फूड की क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये सारा रब कर रही हूँ, फिर मैं मेन टॉपिक लिख दूंगी एंड उसके बाद सिर्फ दो तीन टॉपिक हैं जो फिर मेरी नेक्स्ट वीडियोज में दो वीडियो एक वीडियो में आ जाएंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा जो मतलब कि टॉपिक है वो है प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी। मैं यहाँ पे टॉपिक की वो हेडलाइन लिखती हूँ, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी, तो इसमें है कि जैसे हमारे इंडिया में मोर देन 840 पीपल हैं। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले जो मैं ओवरव्यू दे देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ना, हमने इसमें पढ़ना है बायोफोर्टिफिकेशन क्या होती है और उसके ऑब्जेक्टिव कि क्या कौन कौन से उसके ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी में पहले मैं वो रीड करा देती हूँ, फिर मैं बायोफोर्टिफिकेशन बताऊंगी कि क्या होता है। ठीक है, कि वो कह रहे कि मोर देन 840 पीपल जो हैं, मिलियन पीपल जो हैं इन द वर्ल्ड जिनके पास प्रॉपरली फूड नहीं है या जो मतलब कि मालनरिश्ड है या जो अपनी डेली फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा 3 बिलियन पीपल जो है हमारे देश में सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम द माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोटीन, उनके अंदर प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, फैट की कमी है ना, या उनको इन सब की किसी ना प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, विटामिन की डेफिशिएंसी है, या हिडन हंगर हम इसे बोलते हैं, बिकॉज वो इनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो इनफ फूड अफोर्ड कर सकें, या इतना उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना प्रॉपर खाना अफोर्ड कर सके जिसमें ये सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंशन हों। ठीक है, हाँ, टू बाय द फ्रूट वेजिटेबल लेग्यूमिनस फिश एंड मीट। तो वो डाइट जिनके अंदर एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते, आयरन विटामिन आयोडीन एंड जिंक नहीं होता, या वो लोग जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता कि वो ये फ्रूट्स वेजिटेबल मीट वगैरह जो है वो खरीद पाएँ। ठीक है, तो अगर जैसे कोई डाइट है उसके अंदर ये सारी चीज़ें की कमी है, प्रॉपर डाइट है उसके अंदर कमी है, जैसे ये आयरन विटामिन ए जिंक आयोडीन, तो इससे क्या होगा कि उनको चांसेस होते हैं कि डिसीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है और मेंटल इलनेस आ जाती है। तो हमारे पास एक अच्छी चीज़ है जिसको हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन, जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं और वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं पहले लिख देती हूँ डेफिनेशन बायोफोर्टिफिकेशन है क्या बोर्ड में। ठीक है, देन उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बायो फोर्टिफिकेशन। ठीक है, सो ये है कि ब्रीडिंग विद हायर ब्रीडिंग क्रॉप है, ब्रीडिंग क्रॉप क्रॉप्स विद हायर level of vitamin
फाइबर, प्रोटीन एंड हेल्दियर डाइट, ठीक है। और इसका मेन मोटिव क्या है, इज टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। मतलब कहने का कि आप उन क्रॉप्स को आपस में ब्रीड कराओगे जिसके अंदर ज्यादा लेवल होगा विटामिन्स का, मिनरल्स का, प्रोटीन्स का एंड फैट का, कि जिससे जो हमारी पब्लिक है उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा क्या होगी, इम्प्रूव होगी, ठीक है। बस यही है बायो फोर्टिफिकेशन, कि उन क्रॉप्स को ब्रीड करवाया जा रहा है, आपस में क्रॉस करवाया जा रहा है जिनके अंदर ज़्यादा लेवल है विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स एंड फैट का, ठीक है। एंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके चार मेन ऑब्जेक्टिव हैं बायो फोर्टिफिकेशन के, वो मैं इसमें लिख देती हूँ ब्लैक बोर्ड पे। अगर किसी को प्रॉपर ये टॉपिक का स्क्रीन शॉट चाहिए तो ले लेना, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी में बस यही है विच इज बायो फोर्टिफिकेशन एंड उसके चार ऑब्जेक्टिव। और बोर्ड में भी एक दो नंबर पे बायो फोर्टिफिकेशन के बस डेफिनेशन ही आती है, ठीक है। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कि आपको प्रोटीन कंटेंट करना, इंक्रीज करना होता है क्रॉप्स में, जिसके कारण हम ये मेथड यूज करते हैं। और क्वालिटी ऑफ कोर्स हमें इंक्रीज करनी है, अच्छी करनी है, दैट्स व्हाई, ठीक है। देन ऑयल कंटेंट भी हमारे को इंक्रीज करना होता है, इसके कारण ये किया जाता है एंड क्वालिटी, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास विटामिन्स भी हमारे को इंक्रीज करने होते हैं, ठीक है। और लास्ट में है माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिनरल कंटेंट भी इंक्रीज करना होता है। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन मेथड ज़्यादा यूज करते हैं, कि अगर बाई चांस कोई बंदा नहीं अफोर्ड कर पा रहा है या जिनकी डाइट में ये इन सब चीज़ों की कमी है, तो बायो फोर्टिफिकेशन दिया जाता है, फिर उससे सारी चीज़ें जो हैं या प्रोटीन्स वगैरह उसके पूरे हो जाते हैं। और ये मेन उसके क्या है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि इन 2000 और जैन सी आर टी में क्या है, कि वो कह रहे हैं कि 2000 में मेज जो हाइब्रिड थी, वो उसके अंदर जो मेज की एक हाइब्रिड थी, मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में, वीट राइस और शुगर केन की हाई यील्डिंग वैरायटी, और एक मेज की भी हाइब्रिड आई थी जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट था अमाइनो एसिड्स का, जो नॉर्मल एक मेज में होता है उससे दुगना था, उससे दो गुना ज़्यादा था अमाइनो एसिड्स का अमाउंट मेज की हाइब्रिड में, लाइसिन एंड ट्रिप्सिन, ठीक है। एंड जो वीट की एक वैरायटी थी एटलेस 66, और उसमें भी मैंने बताया अपने पिछली वीडियो में एक वैरायटी और थी, अगर किसी को डाउट है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, एटलेस 66, ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट है एंड मतलब कि ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट है, ठीक है। एंड देन है फोर्टिफाइड राइस जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन है, ठीक है। एंड और उसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, ये भी बोर्ड में पक्का आता ही है क्वेश्चन, कि विटामिन ए में जो इनरिच्ड हैं सब्जियां, वो है कैरेट, स्पिनच, पम्पकिन। और विटामिन सी जो इनरिच है वो है बिटर गॉर्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टमाटो। आयरन और कैल्शियम में इनरिच है स्पिनच एंड बथुआ। और प्रोटीन में इनरिच है बीन्स, ब्रॉड, लवलव, फ्रेंच एंड गार्डन बीन्स। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगता है देन डू प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज आरुषि नोट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की, ठीक है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे जल्दी से जल्दी 150 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, अगर आप करवा दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषि नोट्स। थैंक यू एंड बाय।